जो करंट वर्जन होता है वो 8 से 9 माह के बाद अपडेट होता है। उसमें अपडेट क्या होता है, अगर आप वर्जन 8 चला रहे हैं तो वो 9 वर्जन हो जाएगा, अगर आप 9 चला रहे हैं तो वो 10 वर्जन में इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्शम एंड यू आर टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मोबाइल अपडेट क्या होती है, क्यों होती है, क्या ऐसी अपडेट है जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी और करनी चाहिए, क्या अगर आप अपडेट ना करें तो आपका मोबाइल हैंग तो नहीं होता, क्या अगर अपडेट ना करें तो आपका मोबाइल स्लो तो नहीं चलना शुरू हो जाता है। तमाम आंसर्स आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। वीडियो में इंटरेस्टेड है तो फिर इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका मोबाइल अपडेट होता है तो उसमें 3 किस्म की अपडेट होती है। नंबर 1, आपके तमाम के तमाम एप्लीकेशन जितने भी आपने इंस्टॉल की हैं प्ले स्टोर के ज़रिए, उनकी अपडेट कि करंट वर्जन अपडेट, और दूसरा करंट वर्जन अपडेट के साथ साथ आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी तमाम अलहदा चीज़ें हैं जैसे गैलरी अपडेट होनी, उसके बाद आउटकमिंग इनकमिंग कॉल्स अपडेट होनी, डार्क मोड का अपग्रेड होना, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सी हैं जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की हर 2 से 3 माह बाद अपडेट होती हैं। जो करंट वर्जन होता है वो 8 से 9 माह के बाद अपडेट होता है। उसमें अपडेट क्या होता है, अगर आप वर्जन 8 चला रहे हैं तो वो 9 वर्जन हो जाएगा, अगर आप 9 चला रहे हैं तो वो 10 वर्जन में इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो MBs है वो वर्जन कम हो जाता है, उसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा निकलती है, मोबाइल फ़ोन को हैंग में कोई मसला नहीं रहता, और अक्सर ये होता है कि हीटअप भी जल्दी नहीं होता क्योंकि उसमें एक नया सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो चुका होता है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट नहीं करते, उसकी वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपका मोबाइल फ़ोन भी आपको तंग करना शुरू कर देता है। तो अपग्रेड बहुत ज़रूरी होती है मोबाइल फ़ोन के लिए। अब चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अपग्रेड होती हैं जब एक नॉर्मल अपडेट आती है। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो जो करंट वर्जन है वो 6.11 है और जो अपडेट हो रहा है वो 6.13 है। आप यहाँ इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। सिस्टम की उसने तमाम स्पेसिफिकेशन बता दी जो उसमें अपडेट होने वाली है, कॉल्स बता रही हैं जो अपडेट हो रही हैं, कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद जो भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है वो आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। और नेक्स्ट दोबारा फिर यही, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो करंट वर्जन था वो 6.11 था और जो अपडेट हो रहा है वो 6.13 हो रहा है। उसके बाद सिस्टम की उसने तमाम स्पेसिफिकेशन बता दी हैं कि सिस्टम में जो डार्क मोड है वो अपग्रेड हो रहा है, इसके अलावा ब्लूटूथ में वो अपग्रेडेशन कर रहा है, उसके बाद कॉल्स आ जाती है, ऑप्टिमाइजेशन आपकी कॉल्स कर सकते हैं, डिटेल्स में क्वालिटी, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स को वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। देन मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ये जो 2 माह बाद अपग्रेडेशन होती है वो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रखिए अपना ख्याल, हम तलाश करते हैं एक न्यू कंटेंट, एक क्रिस्पी सा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।